देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम आपके लिए आज इस वीडियो में बताएंगे एक्सरसाइज जो है 6.2 है त्रिभुज की, और हमने आपके लिए पिछली वीडियो में बताया था 6.1। 6.1 पूरी हमारी खत्म हो चुकी है और इस वीडियो में बात करेंगे हम 6.2 प्रश्नों की, और जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते रहिए इसी तरीके से लगातार वीडियो को, और आपके लिए पूरा सिलेबस प्रोवाइड करा जा रहा है मैथ का, टेंथ का। तो इसी तरीके से लगातार कंटिन्यू वीडियो चलती रहेंगी, आप देखते रहेंगे। और आज हम प्रश्न यहाँ पर कराएंगे 6.2 का जो है पहला प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो कौन से प्रश्न है हमारे? अति लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। और यहां पर पहला प्रश्न जो है वो हम आपके लिए कराए जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या है यहाँ पर लिखा गया है, दो त्रिभुज बने गए हैं, यानी चित्र बना हुआ है। चित्र कैसा बना हुआ है मैं आपके लिए चित्र बना के जरा दिखाता हूं। इस तरीके से चित्र बना हुआ है, चित्र बना देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये 7 है, इसका मान h है, इसका मान है k। देखते जाइए ध्यान से, ये a, ये c, ये b, ये है और ये a है। ठीक है, आपसे ये बोला जा रहा है कि यदि a k का मान 10 है, देखो मैं लिख रहा हूं, a k का मान जो कर रहे हैं वो 10 सेंटीमीटर कह रहे हैं, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर तो ये हो गया। फिर कह रहे हैं आपसे बी सी का मान 3.5 है, यानी 3.5 है BC का मान, तो B से C तक की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। फिर आपसे कह रहे हैं HK का मान 7 है, तो HK का मान 7 सेंटीमीटर है, ये मैंने लिख दिया 7 सेंटीमीटर HK का मान है। आपसे कह रहे हैं तो AC ज्ञात करो, तो AC का मान क्या होगा? AC का मान, ठीक है, AC का मान आपको बताना है, और दो त्रिभुज है और वो भी समरूप त्रिभुज है। तो अगर हमने लिखा यहां पर दो त्रिभुज कौन कौन से हैं, पहला आपके लिए है AHK, त्रिभुज AHK, और दूसरा त्रिभुज है आपके लिए ABC, क्या है? ABC। और ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो समरूप है, कैसे हैं? समरूप है, ये त्रिभुज जो है वो समरूप है कहीं ना कहीं। तो अगर समरूप है तो इनके लिए अगर हम बात बता दें, समरूप की पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा कि समरूप में फिगर्स का जो समानुपात, यानी जो भुजाओं का अनुपात होता है, भुजाओं का अनुपात वो समानुपात होता है। कैसा होता है? समानुपात मतलब एक जैसे अनुपात में होते हैं, समानुपात होता है, इस बात को आपको पता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं भुजाओं का जो अनुपात होता है वो समानुपात होता है, यानी अनुपात होने का मतलब है जो समरूप होंगे, जो फिगर समरूप होंगे, मैंने आपके लिए बताया था कि वो फिगर कहीं ना कहीं उनकी भुजाओं का जो अनुपात है, करस्पॉन्डिंग जो संगत भुजाएं हैं, संगत कोण है, वो बराबर होते हैं, इस बात को यहाँ पर बताया गया था। तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इस हिसाब से हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके लिए AC का मान जो है दिया गया है, AC का मान निकालना है, ये वाला आपके लिए मान निकालना है, तो हम इसको एक्स यहाँ पर बता देते हैं। तो सुनिए, ये राइट एंगल यहां से बन रहा है, यहां से ये राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहां से है, ये वाला 90 डिग्री यहां से है, तो ये मान के चलेंगे। देखिए यहां पर इसके लिए ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज जो बन रहा है उसमें ये आधार है x और ये है लंब, ये BC क्या है? लंब है। इस त्रिभुज में आधार है AK और लंब है HK, तो हम यहां पर दोनों का अनुपात एक जैसा निकालेंगे, तो हम निकालेंगे आधार से, तो आधार पहले हम लिखेंगे आधार बटे में लंब, तो इसका जो आधार है वो AC है और इसका जो लंब है वो BC है, ये है। और दूसरे वाले त्रिभुज से अगर बात करेंगे, इसका जो आधार है AK और यहां पर जो लंब है इसका वो HK है, ठीक है। तो हम इनका अनुपात बराबर कर देते हैं, AC का मान हमें पता नहीं है तो हमने यहां पर AC का मान ऐसे ही लिख लिया, BC का मान यहां पर कितना है तो 3.5 है बराबर में। AK का मान यहां पर देखिए, A से लेकर K तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर बटे में, HK का मान जो है वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से हम इनको AC का मान हमने माना है X,
तो मैं लिख दे रहा हूं एसी बराबर, चूंकि एसी बराबर कितना है एक्स सेंटीमीटर मान ले लेंगे, तो एक्स सेंटीमीटर लिख लिया यानी एक्स लिख लिया हमने, ठीक है। और बटे में 3.5, बटे में 3.5 बराबर में, और 10/7 आ जाएगा, 10/7, ठीक है, 10/7 आ गया। अब क्या करेंगे यहां पर, अगर 10/7 आ गया है तो हम यहां पर x का मान निकालेंगे, x बराबर आ जाएगा यहां पर 10 × 3.5 और बटे में आ गया आपके लिए 7, क्योंकि x के साथ जो भी होता है वो यहां पर नीचे आ जाता है। ये हमने कई बार आपको अपनी वीडियो में बताया कि यहां पर कोई भी अगर वेरिएबल का मान निकालना है तो आपके लिए क्या करना है, जो भी जिस नंबर से गुणा हो रही है उस नंबर की गुणा जिससे हो रही है वो नंबर नीचे चला जाएगा और इनकी यहां पर गुणा हो जाएगी। अब बात करते हैं एक्स बराबर हो गया आपके लिए 10, ये कराएंगे 7 × 5 = 35 कट जाएगा यानी 0.5 आ जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 10 × 0.5, तो यहां पर एक्स बराबर आ जाएगा 10 × 5 = 50 और 0.1 के बाद यानी x बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर इस तरीके से यहां पर प्रश्न हमारा हो चुका है, x बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया है। और अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस तरीके से। यहां पर अब हम आपके लिए दूसरा प्रश्न कराएंगे। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपके लिए अब हम दूसरा प्रश्न कराने जा रहे हैं, दूसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रश्न यहां पर क्या है, देखिए प्रश्न ये है, लिखा है एंगल M बराबर N 46 डिग्री है, M और N का मान 46 डिग्री ये दिया गया है आपके लिए। और तो X का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहे हैं कि X का मान क्या होगा, X का मान बताइए और ABC के पदों में ज्ञात करिए। जबकि यहां पर चित्र एक बनाया है, हम बना देते हैं पहले, चित्र कुछ इस प्रकार है, देखिए ऐसे देख लेना आप, बुक में बना हुआ है, हालांकि मैं यहां पर आपके लिए दर्शाने के लिए बना दे रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि सवाल क्या है और किस तरीके से यहां पर दूरियां दी गई हैं, ठीक है ना। ये सी दूरी है यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बी दूरी है, ये एम पॉइंट है, ये दूरी ए है और यहां पर ये दूरी एक्स है और ये है पी और के और ये है L, ठीक है। इस तरीके से यहां पर ये चित्र बना हुआ है और हम यहां पर आपके लिए बता दें कि दोनों का एंगल 46 डिग्री है, यानी यहां पर भी 46 डिग्री है और यहां पर भी 46 डिग्री है, ये दोनों एंगल एक जैसे हैं, एक जैसे समान है, बराबर हैं। तो अगर हम यहां पर बात करें दोनों त्रिभुज एक जैसे होंगे यानी यहां पर समरूप की कंडीशन लगा देंगे, तो समरूपता से लिखेंगे यहां पर, समरूपता से यानी जो हमने समरूप हिसाब सीखा है उसको लगा देंगे यहां पर। और कैसे लगाएंगे, देखिए यहां की जो भुजा है वो इसकी दूरी के अनुपात के और यहां की जो भुजा है वो इस दूरी के अनुपात के बराबर होगी। तो इसका मतलब हुआ हम लिखेंगे यहां पर आनुपातिक प्रमेय से, क्या लिखेंगे, आनुपातिक प्रमेय से। आनुपातिक प्रमेय से अगर हम बात करें तो यहां का जो एम एल है वो बटे में होगा एम एन और एन के, एम एन प्लस एन के ये होगा बराबर, यहां का पी एन बटे में होगा यहां के एन के से, ठीक है। इस हिसाब से तो इनकी दूरी रख देंगे यहां पर, एम एल कितना है यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं एम एल जो है वो ए है, तो ए बटे में एम एन और प्लस एन के, एम एन का मान कितना है, एम से लेकर एन तक का मान ये बी है तो मैंने बी लिख दिया, प्लस और एन के का मान यहां पर कितना है तो सी है तो मैंने सी रख दिया, और बराबर में पी एन, पी से लेकर एन तक की दूरी जो है वो एक्स है तो मैंने एक्स रख दिया, और बटे में यहां पर पीएन की दूरी एक्स है तो मैंने एक्स रख दिया, और बटे में एन से लेकर के तक की दूरी सी है तो मैंने सी रख दिया, क्लियर है। तो यहां पर हमें एक्स का मान निकालना, तो एक्स का मान हम निकाल सकते हैं, एक्स बराबर आ जाएगा इसके साथ जो भी है वो नीचे चला जाएगा यानी बी प्लस सी नीचे चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा ए और गुणे सी, यानी एक्स बराबर आ जाएगा ए सी और बटे में बी प्लस सी, ये हमारा आंसर है।
तो यहां पर इस तरीके से आंसर आ गया है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है बच्चों यहां पर, एक्सरसाइज 6.2 जो चल रही है उसका दूसरा प्रश्न हमने आपके करा दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जरा हम आपको बात बताते हैं, आप इसी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए और आपके लिए देखना कितना फायदा होने वाला है। कहीं ना कहीं आप जितने क्वेश्चन करोगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम करा रहे हैं आपके लिए, और जिस तरीके से करा रहे हैं शायद आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा कंटेंट मिलेगा जिस तरीके से आप सीख रहे हो यहाँ पर। और लगातार इसी तरीके से आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप इसी तरीके से जो है चीज़ें को सीखते रहेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैथ आ जाएगी अगर आप कॉन्टिन्यू वीडियो को देखते हैं और कॉन्टिन्यू चीज़ों को सीखते हैं। तो अब हम अगला प्रश्न कराएंगे आपके लिए, प्रश्न यहाँ पर तीसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट, यहां पर आपके लिए तीसरा प्रश्न है और तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे, देखिए यहां पर लिखा गया है चित्र ए तथा बी में, इसमें दो पार्ट है, पहला पार्ट फिगर नंबर 1 के लिए, दूसरा पार्ट फिगर नंबर 2 के लिए। तो पहले यहां पर बताया गया कि डी ई जो दूरी है वो यहां पर समांतर है बी सी के, इसी हिसाब से दूसरे में बताया गया है और समांतर है भुजाएं। तो यहां पर हम जरा एक चित्र बना देते हैं। चित्र कुछ इस प्रकार है, यहां से लाइन खींची हुई है, ये डी है, ये ई है, ये ए है, ये सी है, ये बी है, ठीक है, ये है। और ए से डी तक की जो दूरी है वो 1.5 सेंटीमीटर है, ए से ई तक की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है, बी से डी तक की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर है, और ई सी नहीं पता है हमें, और ई सी को हम एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, ई सी को हम एक्स मान ले रहे हैं। तो आपके लिए यहां पर ई सी निकालना है, इस चित्र में पहले ई सी निकालना है। अच्छा, ई सी निकालने के लिए हमें एक थ्योरम बताना चाहिए समानुपातिक प्रमेय, जब यहां पर एक पैरेलल लाइन किसी के खींच दी जाती है बीच में तो उनके उनके जो अनुपात होता है यानी उनके भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आनुपातिक प्रमेय से, जो आनुपातिक प्रमेय होती है, जो रेशियो की प्रमेय होती है उसके हिसाब से, आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से, ठीक है। आनुपातिक प्रमेय यह कहती है, ध्यान से सुनना, आनुपातिक प्रमेय यह कहती है कि किसी भी त्रिभुज के लिए अगर समांतर एक रेखा खींच दोगे तो उनका अनुपात बराबर होगा, ठीक है, उनका अनुपात बराबर होगा। अनुपात बराबर होने का मतलब है इस इधर का अनुपात इधर का अनुपात। अगर मैं लिखूंगा ए से लेकर डी तक की दूरी, तो मैंने लिख दी ए से लेकर डी तक की दूरी बटे में डी से लेकर बी तक की दूरी, टी बी बराबर होगी ए से लेकर ई तक की दूरी के और ई से लेकर सी तक की दूरी के, क्लियर है। इन भुजाओं का अनुपात हो गया आनुपातिक प्रमेय से हो गया। तो इस तरीके से हम आनुपातिक प्रमेय को लगा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहना ध्यान से। अब देखिए यहां पर हम वैल्यू को रख देते हैं, ए से लेकर डी तक की दूरी है 1.5 और डी से लेकर बी तक की दूरी है 3 बराबर ए ई का मान है 1 सेंटीमीटर बटे में ई सी का मान है एक्स सेंटीमीटर, यहां पर रख लिया। तो हम एक्स सेंटीमीटर को निकालेंगे, एक्स के साथ जो भी है वो कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कई बार बता चुके हैं, जो भी वेरिएबल के साथ गुणा करता है वो कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है, 1.5 यहाँ पर आ गया। अब एक की गुणा 3 से हो जाएगी यानी 3 ऊपर चला गया, तो पॉइंट अब निकालेंगे और यहाँ पर 30 हो जाएगा, तो x सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 30 बटे में 15। तो भाई मेरे तो भाग कर सकते हैं, 15 की काट देंगे, 15 × 15 = 30 यानी x सेंटीमीटर बराबर आ गया 2। तो यहाँ पर हमारा जो इस फिगर में जो भी मान होगा और ई सी का मान जो है वो x सेंटीमीटर माना था, वो आ गया आपके लिए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ई सी का मान x सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर आ गया, तो यहाँ पर ई सी का मान होगा 2 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो यही हमारा आंसर आ गया, ई सी का मान जो होगा वो 2 सेंटीमीटर होगा। इस बात को हमने यहाँ पर आपके लिए प्रूफ कर दिया, यानी इस पर सवाल करके दिखा दिया है। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है कि चित्र बना हुआ है, इस तरीके से देखना जरा दूसरा पार्ट, इसका दूसरा पार्ट यानी दूसरा फिगर देखना, इस तरीके से चित्र बना हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी से लेकर ई तक है, यहाँ भी डी सी डी ई है और ए ई का मान 1.8 सेंटीमीटर है, ई सी का मान 5.4 सेंटीमीटर है और बी डी का मान 7.2 सेंटीमीटर है, ये है।
आपके लिए यहां पर निकालना है ए से लेकर डी तक की दूरी, यानी ये वाली दूरी आपको नहीं मालूम है, इसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है, एक्स मान लिया, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इनका आनुपातिक प्रमेय लगा देंगे। तो हम लिखेंगे आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से लगा देंगे। तो आनुपातिक प्रमेय माने एडी बटे में डीबी बराबर होगा एई बटे में ईसी, एई अपॉन ईसी, ये होगा। तो इस हिसाब से यहां पर आनुपातिक प्रमेय हो गई। तो एडी का मान है यहां पर कितना है, एक्स है, और डीबी का मान कितना है, 7.2 है बराबर। एई का मान कितना है, 1.8, और ईसी का मान कितना है, 5.4। तो एक्स का मान निकालेंगे यहां पर, तो एक्स बराबर हो जाएगा 5.4 नीचे चला गया और 1.8 इंटू 7.2 ये आ गया, पॉइंट से पॉइंट एक जगह हट जाएगा, तो एक्स बराबर आ जाएगा 18 गुणे में 7.2 बटे में 54, ये हो गया। 18 से यहां पर कट जाएगा, 18 से कम 18, 18 ये 54, 3 कट गया, तो एक्स बराबर आ गया 7.2 अपॉन में 3। अब 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 7.2 को देखे ध्यान से, पॉइंट हटाओ या नहीं बैठाओ तब भी कट जाएगा, देखिए 3 × 2 = 6 यहां पर पॉइंट लग गया, एक बचा 12 और 3 × 12, यानी एक्स बराबर आ गया आपके लिए 2.4, कितना आ गया 2.4 आ गया, 2.4 सेंटीमीटर एक्स का मान आ गया। यही जो एक्स का मान है वही तो है ये एडी, यानी एडी बराबर एक्स बराबर 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रश्न में जो तीसरा प्रश्न था, दो पार्ट थे, दोनों पार्ट को हमने आपके लिए करके दिखा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, हमने चित्र के द्वारा आपको समझाया पूरी तरीके से। इसी तरीके से प्रश्नों को करते रहेंगे, बहुत ईजी प्रश्न होते हैं, और अब हम आपके लिए चौथा प्रश्न कराएंगे, फिर पांचवा कराएंगे, इसी तरीके से चलते जाएंगे। तो अगला हमारा जो चौथा प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को यहाँ पर हम करेंगे। देखिए बच्चों, अब आपके लिए यहाँ पर चौथा प्रश्न है, और चौथे प्रश्न का जो कुछ टाइप है कुछ अलग है, सिद्ध करने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पर कैसे करते हैं। यहाँ पर आपके लिए दिया गया है LM पैरेलल है CB के, ये दिया गया है, और LN पैरेलल है CD के, ये भी दिया गया है। आपसे प्रूफ करा रहा है यहाँ पर AM और बटे में AB बराबर में AN और बटे में AD, ये आपसे प्रूफ करा रहा है, ठीक है। AM अपॉन AB बराबर AN अपॉन AD आपसे प्रूफ करा रहा है, इस बात को हमें सिद्ध करना है इस चित्र के माध्यम से। चित्र हमारा ये है, देखो चित्र में बना देता हूँ, चित्र बनाना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर सवाल चित्र से ही होगा और चित्र के बिना कुछ होगा नहीं। तो बच्चों, चित्र के अलावा यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चित्र बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि चित्र से ही हम देख देख के यहाँ पर चीज़ों को लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए चित्र हमारा बन रहा है, और ये M है, ये L है, ये N है, ये ए है, इस तरीके से। तो चित्र पूरा हुआ। अब देखिए यहाँ पर एल एम जो है वो सी बी के पैरेलल है, यानी एल लेकर एम जो दूरी है वो बी सी, यहाँ पर बी सी के पैरेलल है यानी समांतर है। इसी तरीके से जो एल एन है वो सी डी के पैरेलल है यानी समांतर है, इस बात को मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब हमें प्रूफ ये करना है, हमें सिद्ध ये करना है, ये वाला सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, हम आनुपातिक प्रमेय लगाएंगे, तो पहले त्रिभुज में लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी से ऐसे लिखेंगे, ठीक है। आनुपातिक प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आनुपातिक प्रमेय, आनुपातिक प्रमेय से, आनुपातिक प्रमेय से। तो यहां पर हम आनुपातिक प्रमेय से लगा देंगे, अनुपात की प्रमेय लगा देंगे, यहां का ए से लेकर एम तक की दूरी ए एम, और यहां से लेकर इसकी दूरी एम बी, या आप ऐसे लिख लो AM हो गया, और यहां से यहां तक की दूरी ले लो, करस्पॉन्डिंग दूरी लेनी है, तो AB आ गया। बराबर होगा यहां A से लेकर L तक की दूरी AL, और बटे में A से लेकर C तक की दूरी AC, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मान लिया।
किससे? आनुपातिक प्रमेय से हमने लिख लिया कि यहां पर ए से लेकर एम तक की दूरी AB का अनुपात बराबर होगा AL और AC का अनुपात। क्लियर है? अब यह समीकरण नंबर एक मान लिया हमने। अब हम दूसरे त्रिभुज से लिखेंगे, इस वाले त्रिभुज से। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD से त्रिभुज ACD से लिखेंगे। देखिए ध्यान से यहां पर समझते रहेंगे, ऐसा है ना, यहां पर चित्र वाले प्रश्न है बच्चों, और चित्र वाले प्रश्न कहीं ना कहीं हम चित्र को बनाकर ही करते हैं, बिना ऐसे नहीं करते हैं। चित्र को बना लेंगे तो ही फिर सॉल्व करेंगे उसको। अब हमें प्रूफ करना है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए हमने चित्र भी बना लिया, पहला इक्वेशन निकाल लिया, अब हम दूसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। अब हमने लिखा त्रिभुज ACD से यानी ACD ये है, तो हम इनका भी अनुपात ले लेंगे उसी अनुपात में। देखो यहां पर अनुपात में क्या लेंगे, AL और बटे में AC, AL बटे में AC बराबर में। अब इधर का अनुपात ले लो, AN बटे में AD, AN बटे में AD, इक्वेशन नंबर टू, ये समीकरण नंबर दो हो गई। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए समीकरण एक और समीकरण दो से तुलना करिए, या हम कह सकते हैं यूं कि AL अपॉन AC का मान समीकरण दो का मान एक में रख दो, यानी समीकरण दो का मान एक में रखने पर, एक में रख दो, समीकरण एक में रख दो। तो यहां पर लिखा हुआ है AM अपॉन में AB बराबर में, ये जो AL अपॉन AC का मान है AN अपॉन AD वो यहां पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा AN अपॉन AD। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं चूंकि AM अपॉन AB आ चुका है हमारे पास AN अपॉन AD के, तो हम कह सकते हैं ये हमारा जो है प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया, यानी सिद्ध हो गया। ठीक है, सिद्ध हुआ। ठीक है, ये इस तरीके से हमें यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व कर लेना है, यानी हमें जो प्रूफ करना था वो हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो चुका है कि AM अपॉन MB बराबर होगा AN अपॉन AD के। ये जो हमें प्रूफ करना था, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है AM अपॉन AB का जो रेशियो है वो AN अपॉन AD के भी बराबर होगा, इस बात का प्रूफ हमें मिल चुका है जो कि नीचे यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न समाप्त हुआ, और अब हम अगला प्रश्न करते हैं, पांचवा प्रश्न। ऐसा ही प्रश्न प्रूफ करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखेंगे पांचवा प्रश्न। देखिए बच्चों यहाँ पर हम आपके लिए पांचवा प्रश्न कराने जा रहे हैं, और पांचवा प्रश्न भी वैसा ही है जैसा कि आपके लिए चौथा था, और इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले यहां पर हम चित्र को बना लेते हैं, चित्र कुछ इस प्रकार है, देखिए बना रहे हैं इसको चित्र को, क्योंकि चित्र के बिना प्रश्न होना सही नहीं है, क्योंकि आपको भी दिखता रहेगा कि कहां पर क्या है क्या नहीं है, ऐसे इसको प्रश्न को कराना सही नहीं है। तो इस हिसाब से मैं लिख रहा हूं, सभी बिंदुओं को लिखूंगा और सभी पॉइंट्स को लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ये बना दिया इस तरीके से, यहाँ पर बन गया है। और यहाँ पर ये बोला गया है कि जो DE भुजा है वो पैरेलल है AC के, यानी DE भुजा जो है D से लेकर E तक की भुजा वो AC के समांतर है, ये बिल्कुल समांतर है। और फिर आपसे ये भी बोला गया है कि जो DF है वो पैरेलल है AE के, ठीक है, DF जो है पैरेलल है E के, यानी DF जो है AE के पैरेलल है। इस बात को यहाँ पर भी दिखाया गया कि DF जो है वो AE के पैरेलल है, यहाँ पर AE ये जो है AE, DF है जो वो AE के पैरेलल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर DF AE के पैरेलल है, ये बताया गया है कि D से लेकर F तक की दूरी AE के पैरेलल है, यानी समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो अब हम यहां पर प्रूफ करने वाले हैं, लिखा है BF बटे में FE बराबर BE बटे में EC, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है, टू प्रूफ, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो कैसा करेंगे यहां पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम यहां पर करते हैं एक त्रिभुज लेते हैं, क्योंकि दोनों त्रिभुज हमें लेने पड़ेंगे। तो त्रिभुज हम लेते हैं ये वाला, ये त्रिभुज ले लेते हैं, यानी BDE। तो त्रिभुज लिखेंगे BDE से लिखेंगे, ठीक है ना, BDE से लिखेंगे त्रिभुज से, और यहां पर अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे अनुपात, तो सुनिए अनुपात हम यहां पर ये निकालेंगे,
बल्कि यहां पर एक इस हिसाब से ले सकते हैं कि अगर डी ई पैरेलल है किसके, यहां पर आपसे बोला गया था डी एफ, डी एफ जो दूरी है वो ए ई के पैरेलल है, बिल्कुल है ए ई के पैरेलल। तो हम त्रिभुज दूसरा लेते हैं, त्रिभुज कौन सा, यहां पर ये लिखेंगे, ये हटा दीजिए, यहां पर ये लिखेंगे ए बी ई से, ए बी ई से इससे लेंगे, ए बी ई से लेंगे। तो ए बी ई से जो है देखिए ए बी और ई e, ये वाला त्रिभुज लेंगे ए बी ई, ठीक है ना। इस हिसाब से यहां पर जो त्रिभुज का अनुपात जो बनेगा वो क्या बनेगा, सुनिए, यहां पर हमें अनुपात लेना है तो इस हिसाब से हमारा अनुपात बनेगा बी एफ, बी से लेकर दूरी एफ तक की, बटे में एफ ई, एफ ई, ये बराबर में होगा। इस हिसाब से अनुपात ले लेंगे, देखिए यहां से लेकर के त्रिभुज हमने ये लिया है, और B से लेकर D तक की दूरी, D से लेकर A तक की दूरी के बराबर होगी, इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरे त्रिभुज के, तो दूसरे पैरेलल यहां पर जो DE है वो भी पैरेलल है AC के, तो हमने अभी तो DF के लिए लिया था, अब हम ले रहे हैं यहां पर DE के लिए, तो DE के लिए लेंगे तो ये त्रिभुज पूरा हो जाएगा, यानी त्रिभुज ABC से, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC से, ABC से एबीसी से लेंगे तो यहां भी अनुपात वही होगा, देखो यहां भी अनुपात वही होगा, यानी अनुपात क्या होगा, देखिए ध्यान से बी ई है ना, बी ई, तो बी ई बटे में, बी ई बटे में ई सी, ई सी बराबर बी ई अपॉन ई सी बराबर किसके अनुपात के बराबर होगी, इसी के, तो इसी के, तो बी डी और डी ए, बी डी और डी ए इसी अनुपात के बराबर होगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को कंपेयर कर लो, देखो BD अपॉन DA की जगह ये वाला रख दो, यानी समीकरण 2 में, समीकरण 2 का मान ऐसे लिखो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखने पर, ठीक है, ये समीकरण 1 में रख दे। अब यहां पर क्या है लिखा है, BF अपॉन एफ ई बराबर, ये जो बी डी अपॉन डी ए का मान है वो इसके बराबर है, तो इसका मतलब हुआ ये बी ई अपॉन ई सी यहां रख दो, तो हमने रख दिया भाई मेरे बी ई अपॉन ई सी, तो यहां पर ये देख सकते हो आप, ये प्रूफ हो चुका है कि बी एफ अपॉन एफ ई बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के, ये जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है, यानी ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, सिद्ध हुआ, सिद्ध, ठीक है, सिद्ध हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुपात की अनुपातिक प्रमेय लगा देते हैं, और अनुपातिक प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं ये जो जो लगा हुआ है ये अनुपातिक प्रमेय, यहाँ पर लिख सकते हैं अनुपातिक प्रमेय, ठीक है ना, हमने लिखा नहीं है लेकिन ये अनुपातिक प्रमेय से ही लिखा गया है, ठीक है, अनुपातिक प्रमेय से, यहाँ भी आप लिख सकते हो अनुपातिक प्रमेय से, अनुपातिक प्रमेय से, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए ये जो प्रश्न हो गया है, पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि हमने आपके लिए करा दिया, पूरा यहां पर सिद्ध करके आपको दिखा दिया है, और चौथा भी प्रश्न सेम था ऐसे। तो इस तरीके से यहां पर हमारे पास प्रश्न 5 हो चुके हैं, इसी तरीके से सीरीज चलती रहेगी, और आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 6, 7, 8 प्रश्न कराएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे आपके लिए, और तब तक के लिए आप इतना ही करेंगे, धन्यवाद।